हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गए हो, जिसमें पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का पार्ट वन यानी कि एलजेब्रा, इसका जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स, आज लेक्चर नंबर 4 इसके लिए लेकर आ गए। तो प्रीवियसली जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था उसमें मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया था जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट 3.1। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो प्रैक्टिस सेट बहुत इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड जो रिमेनिंग एग्जांपल्स थे उसके होमवर्क भी आपने जरूर से कर लियोगे। तो आज जो हम लोग को पढ़ना है यानी कि जो लेक्चर नंबर 4 है हमारा पॉलिनोमियल्स का, आज जो हमें पढ़ना है वो है एक टॉपिक जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल, क्योंकि आपको याद होगा कि अगर आपने 8th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक पढ़ा था, एक चैप्टर पढ़ा था रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में एक आपका चीज था दैट इज ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर्स के ऊपर हम लोग किस तरह से ऑपरेशन करते हैं यानी कि उसको कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं एंड कैसे डिवीजन करते हैं। तो यही सेम चीज जो है दोस्तों कि पॉलिनोमियल्स का किस तरह से सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है या फिर इवन डिवीजन होता है, तो वो किस तरह से होता है, ये सभी चीज हम लोग क्या करेंगे ये पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है। तो आपको बस क्या करना है, ये जो वीडियो है बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिल्कुल लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आपने ये चीज सीख लिया तो आगे जो प्रैक्टिस सेट है इसके ऊपर ये आप लोगों को बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तो आपको ये चीज बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करने वाले हम लोग, जो कि आप देखोगे तो सबसे पहला चीज आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहला हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जो कि हम लोग को करना है सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो हमें क्वेश्चन बोला है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आप लोग के लिए। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब आपको पता है ये माइनस होता है, तो आपको करने क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट करने बोला है। किसको करने बोला है, 5a² ओके माइनस 2a, ये आपका एक क्वेश्चन है 5a² - 2a, और किससे करने बोला है आपको, इसको करना है फ्रॉम 7a² + 5a, 7a² + 5a + 6। ये आपको एक नंबर दिख रहा होगा 7a² + 5a + 6, इससे आपको क्या करना है, ये वाला को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको सिंपल हो जाएगा, बहुत इजी इसको सब्ट्रैक्ट करना। तो मैं आपको बताता हूं कैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन जो है करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको पता तो चल गया कि आपको सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है। तो आपको माइनस करना है तो सबसे पहले आप क्या नोटिस करोगे कि किससे किसको माइनस करना है। तो ऑब्वियसली फ्रॉम दिस बोला है, मतलब ये हमारा सबसे पहला आएगा, ये बड़ा है इसके लिए सबसे पहला आएगा, ठीक है ना, फ्रॉम भी बोल के रखा है। तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे दैट इज 7a² + 5a + 6, आपने इसको लिख दिया। और ऑब्वियसली हमेशा हम लोग बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है सब्ट्रैक्शन करने का कि वो बड़े में से छोटा ही नंबर जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये बड़ा नंबर है आपका, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। तो आप देखोगे कि 7a² + 5a + 6 मैंने लिख दिया। अब मैं माइनस का साइन डालता हूं क्योंकि हमें माइनस करना है, और किसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। तो हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 5a² - 2a, ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का क्या होगा, वी नो दैट कि जब भी माइनस होता है और उसके बाद ब्रैकेट होता है, तो हम लोग जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं यानी माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो अंदर के साइन जो है वो चेंज, वी नो दैट। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे सॉल्व करते आगे, तो आप देखोगे 7a² + 5a + 6 हो जाएगा यहां पे, और आगे क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस 5a² हो जाएगा, और अगेन ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 2a। करेक्ट है, समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे आप देखोगे तो आपको ये देखना होता है कि सेम सेम दिखने वाले कौन से टर्म है यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे ये 7a² है, तो a स्क्वायर दिखने वाले और भी कोई चीज है क्या यहाँ पे, आप देखो। तो अगर वो a जो भी सेम दिखता है यहाँ पे यानी कि a स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो a स्क्वायर जैसा जो भी चीज है उसको एक साथ लिख दो। तो आप क्या लिखोगे अगले स्टेप में, कि ये जो 7a² है और ये 5a² है ना, इसको मैं एक ही साथ लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा, 7a² - 5a², इसको मैंने एक दूसरे के बाजू बाजू में लिख दिया क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। करेक्ट है, उसके बाद देखो और कौन सी चीज है जो एक जैसे दिखते हैं, तो ये 5a है, ये 2a है, मतलब ये इसका भी a है, ये भी a है, तो इसको भी हम लोग एक साथ लिखते हैं। आगे क्या, ये प्लस है तो प्लस 5a लिख दिया, और ये भी प्लस है इसके लिए ये प्लस 2a लिख दिया मैंने। करेक्ट है, ये लिख दिया। अब आप देखोगे ये चला गया, ये भी चला गया, तो आपके पास क्या बच रहा है, सिर्फ एक ही नंबर बच रहा है जो कि है 6, तो आप लिख दो प्लस 6, खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 7a² - 5a² कितना हो जाएगा, आप देखोगे ये दोनों को माइनस करके तो आपका बचेगा 2a² ओके। फिर 5a है और 2a, तो 5a और 2a दोनों को मिला के मैं प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 7a, तो 2a² + 7a, और लास्ट में है 6। इसके आगे कुछ कर सकता हो क्या मैं फ्रेंड्स, कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टॉप कर देना है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, जो कि आपका क्वेश्चन आ गया। तो आपका जो क्वेश्चन बोला था आप लोग को कि सब्ट्रैक आपको करके दिखाना है, किससे करना है सब्ट्रैक, आपको सब्ट्रैक करना है 5a² - 2a फ्रॉम 7a² + 5a + 6 को सब्ट्रैक करना है। तो आपने क्या किया, सिंपली इसको सब्ट्रैक किया, पहले माइनस किया, तो माइनस के वजह से आपका जो अंदर का साइन था वो चेंज हो गया। बाद में इसको सॉल्व करने के बाद, कुछ कॉमन टर्म एक साथ लिखने के बाद, जब आपने सिंप्लीफिकेशन किया तो आपको एक आंसर मिल गया 2a² + 7a + 6, जो कि है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन जो है बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था, उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझा होगा। अब मैं क्या करता हूं, एक और एग्जांपल इसके ऊपर कराता हूं, जो कि आपको बोला है मल्टीप्लीकेशन करने के लिए। तो मल्टीप्लाई बोला है -2a + 5a² ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ओके,
तो क्या बोला है क्वेश्चन में, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाले जो पर्टिकुलर आपका बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसको मैं क्या करता हूं फटाफट से रफ कर लेता हूं आप लोग के लिए. ओके, तो लेट्स रफ दिस फास्ट, फटाफट से रफ कर लेते हैं इसको. और हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल, क्योंकि टोटल आज हम लोग आज के दिन टोटल चार एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे. एंड बाकी का जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, सीधा डिवीजन देखेंगे, क्योंकि डिवीजन का थोड़ा मेथड यहाँ पे क्या होता है अलग होता है. एंड वो डिवीजन देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल. क्या है, मल्टीप्लाई करने बोला है माइनस टू ए मल्टीप्लाई बाय फाइव ए स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ, सेकंड एग्जांपल है आज के लिए. तो हमको बोला है मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में बोल दिया है मल्टीप्लाई, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस टू ए को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है, फाइव ए स्क्वायर के साथ करना है. तो आप लिख दो यहाँ पे फाइव ए स्क्वायर. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो फ्रेंड्स, तो आप देखोगे कि दोनों में कुछ फर्क नहीं है, ठीक है ना, चाहे वो ए स्क्वायर हो ए क्यूब है, कभी भी मल्टीप्लीकेशन में हम लोग कभी भी देखते नहीं है कि वो माइनस दिया है कि ए दिया है कि बी दिया है, कुछ नहीं देखते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है. तो वी नो दैट कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है और अल्फाबेट जो होता है यानी कि वेरिएबल्स जो होते हैं उसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है. तो यहाँ पे नंबर जो है आप देखोगे तो माइनस टू एक नंबर है और फाइव एक नंबर है. तो माइनस टू, अब पहले मैं इसको स्टेटमेंट को पहले लिख देता हूँ यहाँ पे कि माइनस टू ए मल्टीप्लाई बाय फाइव ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू जो है वो फाइव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. करेक्ट है, ये वाला दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया और जो वेरिएबल्स है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर. ठीक है, तो आप देखोगे तो माइनस टू मल्टीप्लाई बाय फाइव इज नथिंग बट माइनस टेन और मल्टीप्लाई बाय ए और ए स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएंगे, ए क्यूब हो जाएगा. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग माइनस टेन ए क्यूब, एंड दिस इज योर आंसर. खत्म हो गया, हमने सिंपली क्या किया, आपको ये डायरेक्टली नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल को वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया, दोनों को बाद में साथ में जोड़ दिया एंड आपको मिल गया आंसर जो कि आ रहा है आप लोग के लिए माइनस टेन ए क्यूब, एंड दिस इज योर आंसर फॉर माइनस टू ए मल्टीप्लाई बाय फाइव स्क्वायर. तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल एग्जांपल था. अब आगे बढ़ लेते हैं एग्जांपल नंबर थ्री, जो कि थोड़ा सा बड़ा टाइप का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये करने में थोड़ा ज्यादा मजा आने वाला है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है और बहुत जो है आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस चीज का हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग को बहुत बेनिफिट करेगा ये चीज. ओके, तो ध्यान से देखो आप लोग जो एग्जांपल में लिखने जा रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है. क्या बोला है, मल्टीप्लाई करना है, अगेन क्वेश्चन यही बोला है कि आपको थर्ड एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊं कि क्वेश्चन अगेन आपको बोला है मल्टीप्लाई करना है. करेक्ट है, मैंने हेडिंग डाल दिया मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसको किससे करना है, एक बोल दिया है कि एम स्क्वायर माइनस फाइव है, तो एम स्क्वायर माइनस फाइव एक नंबर है एंड दूसरा नंबर जो है मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट में वो भी दिया हुआ है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन भी है, मल्टीप्लाई करना है, किसको किससे करना है, एम क्यूब प्लस 2m माइनस टू. ठीक है, एम क्यू प्लस टू एम माइनस टू, मतलब ये आपका एक नंबर है, ये आपका एक नंबर है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो आप देखोगे ये थोड़ा सा बड़ा टाइप का है, क्यों बड़ा टाइप का है, क्योंकि इसमें दो टर्म है, यहाँ पे तीन टर्म है अलग अलग. तो सिंपली आपने ऐसा टाइप का मल्टीप्लीकेशन बहुत पहले भी किया हुआ है. कैसे किया है, सबसे पहले आप देखोगे कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो दोनों टर्म है, दोनों टर्म में से एक टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा पूरे के साथ, बाद में ये फाइव को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा. तो दो बार अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही हमारे पास टेक्निक है. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एम स्क्वायर को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं. तो एम स्क्वायर को मैंने ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एम क्यू प्लस टू एम माइनस टू मैंने लिख दिया ये चीज. उसके बाद हमारा माइनस फाइव है, तो माइनस फाइव लिख दिया, और माइनस फाइव को भी किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हमें माइनस फाइव को भी अगेन ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने लिख दिया एम क्यू प्लस टू एम माइनस टू. ये लिखने के बाद आप देखोगे तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो आप देखो मल्टीप्लाई करके एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम क्यूब कितना हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि एम स्क्वायर एंड एम क्यूब मिलकर हो जाएंगे एम रेस टू फाइव. ठीक है, बाद में प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया, एम स्क्वायर और टू एम मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा टू एम क्यूब हो जाएगा. करेक्ट है ना, टू टू हो गया, एम और एम स्क्वायर मिलकर एम क्यूब बना दिए. बाद में माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया आपने, फिर ये टू और एम स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएंगे, टू एम स्क्वायर हो जाएंगे, ये आपने लिख दिया. इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन वे में समझ में आ रहा होगा. अब आप यहाँ पे देखोगे तो माइनस फाइव को एम क्यूब से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस फाइव एम क्यूब हो जाएगा. करेक्ट है, फिर ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बना देंगे, माइनस बना देंगे. इसके लिए यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय टू एम करूंगा तो माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय टू टेन हो जाएगा. ठीक है, और ये एम हो जाएगा, यानी कि माइनस टेन एम हो जाएगा. करेक्ट है, और अगेन माइनस फाइव और ये माइनस टू मल्टीप्लाई जब होंगे तो क्या बनेंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फाइव टू टेन होता है तो प्लस टेन हो गया. तो ये आप लोगों को समझ में आ गया. अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, ध्यान से आप लोगों को देखना, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में भी बताया था कि हम लोग को सबसे पहले क्या देखना होता है कि कुछ कॉमन टर्म है क्या जो एक जैसे दिखते हैं, तो उसको क्या करेंगे हम लोग एक साथ लिखेंगे. तो एक जैसे जो दिखने वाले चीजें हैं हम लोग क्या करेंगे, उसको एक साथ लिखेंगे. तो आप देखो ध्यान से कि
आपका ये एम रेस टू फाइव है तो और कहीं पे एम रेस टू फाइव आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं डायरेक्टली सबसे पहले क्या करूंगा एम रेस टू फाइव को लिख दूंगा क्योंकि उसके ऐसा और कोई है ही नहीं। फिर आप देखोगे तो क्यूब वाला तो टू एम क्यूब ये वाला एक है और ये माइनस फाइव एम क्यूब है, तो इसको मैं दोनों को एक साथ लिखता हूं। तो कैसे लिखूंगा, टू एम क्यूब माइनस फाइव एम क्यूब, ये दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, करेक्ट है। मतलब ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, क्या बच रहा है, ये टू एम स्क्वायर वाला बच रहा है पार्ट, तो इसको लिख दो माइनस टू एम स्क्वायर। फिर क्या बच रहा है, ये वाला बच रहा है माइनस टेन एम और लास्ट में बच रहा है टेन, ये हो गया। अब लास्ट में हमारा क्या आएगा, जो सेम सेम है उसको अभी सॉल्व कर लो। तो सेम सेम कौन से, सिर्फ यही दोनों सेम है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला तो सेम हो जाएगा एम रेस टू फाइव, ओके, ये प्लस और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा टू माइनस फाइव कितना होता है, माइनस थ्री होता है, मतलब ये प्लस वाला चला जाएगा और क्या आ जाएगा, माइनस थ्री एम क्यूब आ गया, बाद में माइनस टू एम स्क्वायर आ गया, फिर माइनस टेन एम आ गया, प्लस आ गया टेन, एंड यहाँ पे हो गया खत्म। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि आ रहा है आपका कि एम स्क्वायर माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय एम क्यूब प्लस टू एम माइनस टू का जो आंसर आ रहा है एम रेस टू फाइव माइनस थ्री एम क्यूब माइनस टू एम स्क्वायर माइनस टेन एम प्लस टेन आ रहा है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड अगर कोई पूछता है कि इसका हाइएस्ट डिग्री बताओ, तो जिस वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट डिग्री है जो कि एम रेस टू फाइव, ये आपका हाईएस्ट डिग्री आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों इससे सिंपल एग्जांपल और हो ही नहीं सकता, क्योंकि भले ही आपको दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आप एक बार जब इसको करते जाओगे ना दोस्तों, बहुत ज्यादा ईजी है ये, करेक्ट है। तो बहुत ज्यादा ईजी है, इसके लिए आपको ये चीज समझ में आ भी गया होगा। ओके, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको कराना था, एग्जाम्पल नंबर फोर है जिसमें हम लोग को ऐड करने बोला है, ठीक है ना। हमने बहुत सारे टाइप के देख लिए, सब्सट्रैक्शन देख लिए, मल्टीप्लिकेशन दो तरीके देख लिए, अब एक और मैं दिखाऊंगा आप लोगों को जो कि ऐड करना है, बहुत सिंपल है। तो ऐड कैसे करते हैं वो आपको बता दूं, फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टॉप करेंगे, फिर हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उस पर मैं डिविजन पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि डिविजन को थोड़ा सा सॉल्व करने का टेक्निक थोड़ा बड़ा है एंड थोड़ा सा अलग है, इसके लिए उसको अलग से लेक्चर में लेंगे ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए एंड ज्यादा बड़ा भी लेक्चर आप लोग के लिए ना हो, ठीक है। तो एडिशन क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो लेट सपोज यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एडिशन करने का, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर फोर है हमारा आज के लिए, इसके लिए हम लोग ने एग्जाम्पल नंबर फोर लिखा और क्वेश्चन इस तरह बोला है एड करना है, क्लियरली आपको बोल के रखा है एड, ओके। और क्वेश्चन क्या है, थ्री एम स्क्वायर एन, थ्री एम स्क्वायर एन आपको बोला है, प्लस करना है आपको फाइव एम एन स्क्वायर, ठीक है, फाइव एम एन स्क्वायर, फिर प्लस करना है आपको, सॉरी माइनस करना है सेवन, सेवन एम एन करना है, माइनस सेवन एम एन किया, एंड दूसरा जो नंबर है आपका एंड लिख के बोला है टू एम स्क्वायर एन, ठीक है, टू एम स्क्वायर एन आपको करना है, एंड साथ ही में माइनस एम एन स्क्वायर करना है, माइनस एम एन स्क्वायर, और लास्ट में है प्लस एम एन, ठीक है। ये देखो इतना बड़ा आपको प्लस करना है, ठीक है। तो बहुत बड़ा तो दिख रहा है लेकिन उतना ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, दोनों को प्लस करना है तो सीधा सीधा आप लिख दो दोनों को एक साथ, थ्री एम स्क्वायर एन लिख दिया प्लस फाइव एम एन स्क्वायर, क्वेश्चन में लिख रहा हूं खाली सेम टू सेम एम एन लिख दिया, और बाद में ये दोनों को क्या करना है, प्लस करना है ना, ये पूरे को और ये पूरे को प्लस करना है, इसके लिए एक बड़ा प्लस बीच में आ जाएगा, एंड बाद में टू एम स्क्वायर एन माइनस एम एन स्क्वायर प्लस एम एन, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो फ्रेंड्स क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो जो सेम सेम जैसा दिख रहा है उसको एक साथ लिखना होता है, तो ये एम स्क्वायर एन है, तो एम स्क्वायर एन जैसा और कुछ है क्या, देखो ये भी एम स्क्वायर एन है, तो ये एम स्क्वायर एन और ये एम स्क्वायर एन दोनों को साथ में लिख दो, कैसे लिखोगे, थ्री एम स्क्वायर एन और ये भी क्या है प्लस टू एम स्क्वायर एन, दोनों को मैंने साथ में लिख दिया, करेक्ट है, इसका काम हो गया। अब देखो एम एन स्क्वायर वाला कुछ है क्या, तो देखो ये फाइव एम एन स्क्वायर है तो प्लस फाइव एम एन स्क्वायर ये वाला, और दूसरा एक और एम एन स्क्वायर है जो कि माइनस एम एन स्क्वायर, ठीक है, तो इसको भी लिख दो माइनस एम एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस एम एन स्क्वायर, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब क्या बच रहा है हमारे पास, देखोगे तो ये भी एम एन वाला पार्ट है, ये भी एम एन वाला पार्ट है, तो क्या बच रहा है, माइनस सेवन एम एन प्लस लास्ट में ये वाला एम एन, ठीक है, तो ये दोनों भी आपने लिख दिया। अब ये दोनों लिखने के बाद जो भी चीज कैंसल आउट हो रहा है वो कर लो, एंड जो भी चीज सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व कर दो। देखोगे तो थ्री एम एन, थ्री एम स्क्वायर एन और टू एम स्क्वायर एन दोनों प्लस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, थ्री प्लस टू हो जाएगा फाइव, तो ये हो जाएगा फाइव एम स्क्वायर एन, तो आपने सॉल्व कर लिया, इसका आपका आंसर आ गया फाइव एम स्क्वायर एन प्लस, ये दोनों को आपने सॉल्व किया, अब ये दोनों को सॉल्व कर लो सेम सेम है, तो एम एन स्क्वायर फाइव एम एन स्क्वायर है माइनस एम एन स्क्वायर, तो फाइव में से एक एम एन स्क्वायर चला गया तो कितना बचेगा, चार बचेगा, तो ये बचेगा फोर एम एन स्क्वायर, ये आपका आ गया। एंड ये दोनों को भी फिर से सॉल्व कर लो, तो माइनस सेवन एम एन है और प्लस फाइव प्लस एम एन है, तो माइनस सेवन एम एन और प्लस एम एन मतलब माइनस सेवन प्लस वन, तो माइनस सेवन प्लस वन कितना होता है, माइनस सिक्स होता है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस सिक्स एम एन, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तीनों के तीनों टर्म अलग है, यहीं पे हम लोग को स्टॉप करना पड़ेगा, और यही आपका फाइनल आंसर दोस्तों, जो कि आपको पूछा था कि ये दोनों को एड करके दिखाओ, तो आपने दोनों को एड कर लिया बहुत ही सिंपल तरीके से, और आपका आंसर निकाल दिया जो कि आ रहा है फाइव एम स्क्वायर एन प्लस फोर एम एन स्क्वायर माइनस सिक्स एम एन, यही आपका फाइनल आंसर दोस्तों। एंड जैसा कि मैंने बोला था, टोटल आज चार एग्जाम्पल हम लोग ने पढ़ लिया, एक सब्सट्रैक्शन का देखा, सेकंड मल्टीप्लीकेशन, थर्ड वापस से बड़ा वाला मल्टीप्लिकेशन देगा, फोर्थ दिस इज एडिशन, एंड उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग को पढ़ना है वो है डिवीजन, लेकिन डिवीजन को थोड़ा सा अलग तरीके से मेथड से करते हैं, इसके लिए मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया वो चीज, इसको हम लोग करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर फाइव जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों, उसमें
हम लोग टोटल ध्यान से पढ़ने वाले हैं, तब तक आपको हमारा जो अगला लेक्चर है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे ऑपरेशंस पॉलिनोमियल पे पढ़ लिए। तो कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, दिल से लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, कंटिन्यूस मेहनत करते हैं, ताकि आप लोग को ऐसे ही रेगुलर लेक्चर्स टाइम पे हर दिन मिलते रहे, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल स्टडीज हो। तो एक लाइक तो बनता है उसके लिए। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड दोस्तों, एक चीज तो रही गया कि आप लोग को ये वीडियो को शेयर करना है दोस्तों। शेयर नहीं करोगे तो लोगों तक रीच नहीं होगा। वी नो दैट कि हमारे दोस्त जो फ्रेंड्स लोग हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है ड्यू टू द यूट्यूब एल्गोरिदम। होता है कुछ एल्गोरिदम जिसके वजह से हर एक तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। तो मैं चाहता हूं कि हमेशा आप लोग क्या करते रहिए, हमारे यूट्यूब पे हर दिन वीडियो चेक करते रहिए कि वीडियो कौन सा अपलोड हुआ है। टाइम टेबल मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको पता है कि हर दिन हमारा लगभग इसी टाइमिंग के आसपास हमारा वीडियो आ जाता है। तो हमेशा से आप देखते रहिएगा, चेक करते रहिएगा। एंड जितने भी आपके फ्रेंड्स होते हैं नाइन्थ के, उसको ये वीडियो तक शेयर करते रहेगा, ताकि उनको भी ये पता चल जाए, उनको ये वीडियो टाइम पे मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जैसा मैंने बोला, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना होगा दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।